सो गाइज आप देख सकते हैं काफ़ी व्यू अच्छा है। सो ये हम लोग का सरसों है। सो अब इसमें फूल दिया है, फल नहीं हुआ। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल दिस असलम, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह टाइम है 8:20 हुआ है। सो अभी हम लोग आ गए हैं सिंचाई करने। सो सिंचाई कर रहे हैं प्याज में और आलू जो कि फसल लगाए हैं, और प्याज भी लगाना है। सो आपको दिखाते हैं। और अभी जस्ट मशीन स्टार्ट हुई है। सो मशीन यही है पाइप, और स्टार्ट हो चुका है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो गाइज अभी यहीं पर होगा सिंचाई। इसमें हम लोग सरसों लगाए थे लेकिन सरसों हुआ नहीं, इसलिए इसमें हम लोग दोबारा प्याज लगा रहे हैं और अभी लाए हैं। सो ये रहा प्याज और इसी को अभी लगाना है इसमें। सो अभी हमको मार्केट जाना है क्योंकि तेल नहीं है। तेल लाए हैं उसमें तो पूरा कंप्लीट होगा नहीं। सो ये दो खेत हो जाएगा, उसके बाद आगे है आलू, आलू का फसल है। सो उसमें भी देना है, सो उसमें नहीं होगा। सो अभी मार्केट चलते हैं और तेल लाते हैं, दिखाते हैं। इसमें हम लोग सरसों दिए थे। सो एक दो पौधा हुआ है, पता नहीं इस बार कैसे वैसे हो गया, लेकिन अगले साल बहुत अच्छा हुआ था इसी खेत में। सो इसमें भी कम हुआ है, इसमें ठीक है, ये छोटा खेत है। सो गाइज यही है प्याज और ये प्याज का पौधा है। सो एक पौधा में एक ही प्याज होता है और इसी को अभी लगाना है। देखते हैं इस खेत में कितना तक अटेगा। सो इसको लगाना है और सारा कुछ आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, बने रहें और इसी में आपको सारा अपडेट मिलेगा। सो फाइनली दोस्तों मशीन स्टार्ट हो चुकी है और अभी सिंचाई होगी, उसके बाद हम लोग प्याज रोपेंगे क्योंकि सूख चुका है, उसको अभी ढीला होना होगा मिट्टी ठो। सो मिट्टी जब तक नहीं गलेगा तब तक अच्छा से नहीं रोपाई होगा। सो मिट्टी अब पहले गलने देते हैं, उसके बाद अभी आपको ले आए हम लोग का आलू का फसल के सामने। सो ये है हम लोग का फसल, आलू का काफ़ी अच्छा हुआ है और दोनों है इसमें, एक छोटा आलू है और बड़ा आलू, दोनों आलू है और काफ़ी अच्छा है। सो आप देख सकते हैं, आपको बैक कैमरा से दिखा देंगे, इधर चारों तरफ फसल ही फसल है। सो गाइस ये है हम लोग का आलू का फसल, काफ़ी अच्छा हुआ है। उधर है बड़ा आलू और इधर है छोटा आलू। सो दोनों पौधा अलग अलग है, अंतर है इसमें। सो इसमें भी अभी सिंचाई करनी है, उधर होगा कंप्लीट, उसके बाद इसमें सिंचाई करनी है। सो गाइस ये है हम लोग का सरसों। सो गाइस इसमें उतना अच्छा से हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें लहसुन दे दिए हैं और इसमें भी अभी सिंचाई करनी है। सो लहसुन आपको दिखाते हैं। सो ये रहा लहसुन, आप देख सकते हैं ये है और अभी छोटा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इधर है, यहाँ से वहाँ तक है लहसुन, यहाँ से वहाँ तक और उधर नहीं है। और ये है हम लोग का प्याज। सो गाइस अभी बाइक लेके जाना है मार्केट और तेल लाना है। सो ये है डिब्बा, इसी में अभी हम लोग लाएंगे डीजल। सो बाइक से अभी जा रहे हैं, पापा का बाइक, पुराना काफ़ी बाइक है और यमहा का है। सो चलिए चलते हैं मार्केट और तेल लाते हैं। और सो गाइस अभी मार्केट से आ गए हैं और 2 किलो यूरिया लिए हैं। सो आप देख सकते हैं, और इसमें है डीजल, 2 ले लिए हैं तेल और यूरिया। तो फाइनली दोस्तों फिर से हम आ गए हैं खेत और एक सिंचाई कंप्लीट हो चुका है और अभी दूसरे खेत में लगाएं, उसमें शायद आधा एक घंटा लग सकता है। फाइनली दोस्तों सारा कंप्लीट हो गया है और आधा घंटा बाकी है, वो हो जाएगा और आधा घंटा में। सो लगभग काफ़ी लेट हो गया है, अभी टाइम हो गया है 1:24, यानी कि 1:30 बजने वाला है। सो उसके बाद पाइप को समेटना है और फिर घर जाना है। सो आगे आपको दिखाते रहेंगे। सो गाइस इसमें सिंचाई हो चुकी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ तक है आलू का फसल है और अभी सिंचाई वहाँ हो रही है। सो वही लास्ट है, उसके बाद फिर घर ले जाएंगे। सो चलिए आपको वहाँ दिखाते हैं और आगे आपको उधर का नज़ारा दिखा देते हैं, जो कि सरसों हम लोग लगाए हैं। सो काफ़ी सुंदर है,
सो चलिए आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। सो है गाइस, अभी हम आ गए हैं हम लोग का खेत में। सो ये रहा हम लोग का खेत और इसमें हम लोग सरसों लगाए हैं। सो काफ़ी सुंदर व्यू है, सो आप देख सकते हैं। और अभी इसमें फल हुआ नहीं है, फूल दिया है। सो फूल है इसलिए अच्छा व्यू दिख रहा है। सो इधर चारों तरफ आप देख सकते हैं सरसों ही सरसों है और इधर हो चुका है। सो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी व्यू अच्छा है। सो ये हम लोग का सरसों है। सो अभी इसमें फूल दिया है, फल नहीं हुआ है, फूल के बाद फल होगा। सो इधर आप देख सकते हैं इसमें फूल दे के फिर फल दे दिया है। सो ये दूसरे का है, पड़ोसी का इधर। तो फाइनली दोस्तों सिंचाई हो चुकी है, अभी हम जा रहे हैं मशीन बंद करने और प्याज भी रोप चुके हैं। सो सब कुछ कंप्लीट हो गया है और शायद आपको अंधेरा दिख रहा होगा और बस इतना ही था। सो चलिए मशीन को बंद करते हैं और फिर पाइप समटना है और फिर घर लेके जाना है। सो फाइनली दोस्तों मशीन अपने आप बंद हो चुका है क्योंकि तेल ख़त्म हो गया था, हम पहुँचते पहुँचते मशीन बंद। सो बस इतना ही आज की ब्लॉग में। अगर ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक ले जाइए, वंदे मातरम।